हेलो दोस्तों, फिर से आपका स्वागत है हमारे इस चैनल डीजे व्लॉग में। मैं हूं शुभ दोस्तों, और आज के इस वीडियो में दोस्तों मैं आपके लिए लेके आया हूं यहां पे ये बॉक्स। बॉक्स के अंदर क्या है दोस्तों, इस बॉक्स के अंदर है एक एम्पलीफायर। बेसिकली दोस्तों एक इसके अंदर है काफ़ी छोटा एम्पलीफायर, यानी 2000 वाट का एक एम्पलीफायर। और यहाँ पे इस एम्पलीफायर के साथ आज हम इस वीडियो में करने वाले हैं ओवरलोड टेस्टिंग, यानी इसकी बिल्कुल पीक पावर तक हम लेके जाएंगे। कोशिश करेंगे कि इसकी पीक पावर से ऊपर भी लेके जाएं, तो यहाँ पे टेस्टिंग पे काफ़ी मजा आने वाला है। यहाँ पे हम देखेंगे इस एम्पलीफायर के अंदर हमें क्या क्या डिटेल देखने को मिल जाती है, साथ के साथ हम जानेंगे ये एम्पलीफायर कहाँ से अवेलेबल हुआ और कैसे ये एम्पलीफायर हमको देखने को मिलता है। तो वीडियो काफ़ी अच्छी होने लगी। और वीडियो को शुरू करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करके जाइएगा, शेयर करके जाइएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब करके, क्योंकि चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है। चलते हैं वीडियो की तरफ, चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों चलते हैं, यहाँ पे सबसे पहले करते हैं हम इस बॉक्स के अनबॉक्सिंग। तो यहाँ पे आपको एक सिंपल सादा सा बॉक्स देखने को मिल जाता है और कोई ज्यादा आपको डिटेल देखने को नहीं मिलती है। फटाफट से मैं यहाँ से अनबॉक्सिंग कर लेता हूँ, तो ये करता हूँ। बेसिकली दोस्तों ये दूसरी अनबॉक्सिंग है, यानी इससे पहले मैं इसको खोल के टेस्ट करके उसके बाद मैं आपको एम्पलीफायर दिखा रहा हूँ। मेरा हमारा एम्पलीफायर एनलैब की तरफ से आता है, ये रहा एनलैब की ब्रांडिंग। बाकी मैं इसको निकाल के दिखाता हूँ और यहाँ पे हमें क्या क्या डिटेल देखने को मिलती है वो भी एक बारी देख लेते हैं। तो दोस्तों अभी आप यहाँ पे देख सकते हैं एम्पलीफायर के फ्रंट पैनल पे, और फ्रंट पैनल पे आपको क्या क्या डिटेल देखने को मिल जाती है वो मैं थोड़ा सा आपको समझा देता हूँ। सबसे पहले आप यहाँ पे देख सकते हैं ये है एनलैब की ब्रांडिंग, यहाँ पे आपको एनलैब की ब्रांडिंग देखने को मिल जा रही है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये है मॉडल नंबर, यानी इसका जो मॉडल नंबर है वह दोस्तों आता है X2। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये आता है BIS मार्क, यानी गवर्नमेंट अप्रूव्ड BIS मार्क। लगभग आप लोगों को पता ही होगा ये BIS मार्क होता किस लिए है, यानी जो इलेक्ट्रिक्स आइटम्स होते हैं यहाँ पे जितने भी, जैसे आप कह लीजिए हर एक इलेक्ट्रिक आइटम पे ये आपको देखने को मिलेगा अगर वो गवर्नमेंट अप्रूव्ड है तो। यहाँ पे आप ये देखते हैं चैनल ए का वॉल्यूम, चैनल बी का वॉल्यूम। यहाँ पे आप देख सकते हैं पावर इंडिकेटर के लिए अलग से एक आपको लाइट देखने को मिल जाती है। यहीं आप देख सकते हैं ये आती है -30, -50 और -3 dB इंडिकेटर, यानी ये वॉल्यूम्स जो इतने भी आप इसको पावर ऑन करेंगे ये आपको शो करवाएंगे। और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये आता है ऑन ऑफ स्विच ऑफ बटन, और जस्ट इस पे यहाँ पे आपको ग्रिल देखने को मिल जाती है, सारा मेटल में काम करा गया है। ये चैनल ए का और चैनल बी का दोनों में आपको ग्रिल देखने को मिल जाता है, और यहाँ पे ये हैंडल बार आपको देखने को मिल जाते हैं जिससे आप इस एम्पलीफायर को कैरी भी कर सकते हैं। तो चलते हैं यहाँ पे मैं आपको पीछे की डिटेल भी दिखा देता हूँ। तो दोस्तों अभी आपको यहाँ पे पीछे की साइड, यानी इसके बैक पैनल पर आपको क्या क्या डिटेल देखने को मिल जाती है वो मैं थोड़ी सी डिटेल आपको देता हूँ। यहाँ पे ये पंखा आ गया, यानी इस चैनल का, यानी हमारे फर्स्ट चैनल का पंखा आ गया। फिर यहाँ पे आ जाते हैं, ये आते हैं ये हमारे XLR इनपुट्स, यानी आप इसके बैलेंस्ड इनपुट करेंगे तो आपको बैलेंस्ड ही आउटपुट मिलेगा जो कि काफ़ी हैवी क्वालिटी में है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये है मोड सिलेक्शन स्विचेस, यहाँ पे आप जितने भी सेंसिटिविटी है, लिमिटर है, यहाँ पे लो पास, हाई पास, यहाँ पे सब आप इससे कर पाएंगे। और यहाँ चलते हैं हमारे, ये आता है सीरियल नंबर। ये बेसिकली दोस्तों हर एक एम्पलीफायर का अलग अलग सीरियल नंबर दिया जाता है, और यहाँ पे एनलैब्स की ब्रांड नंबर X2 इसका मॉडल नंबर मेंशन कर रखा है। यहाँ पे आप इनपुट और स्पीकर की कुछ डिटेल दे सकते हैं, यहाँ पे कनेक्शन कैसे होंगे इसके साथ। और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये आते हैं टर्मिनल सॉकेट्स, और ये टर्मिनल सॉकेट्स की भी आपको क्वालिटी पता लग रही होगी कैसी है। और जस्ट यहाँ पे आप इस पर ब्रिज मोड भी यूज कर सकते हैं, यानी ब्रिज मोड के लिए प्लस माइनस ये दोनों हो जाएंगे, रेड वाले आपके प्लस हो जाएगा ये वाले चैनल का, और यहाँ पे ये वाला माइनस हो जाएगा ब्रिज के लिए। और यहाँ पे बाकी चैनल 1 और चैनल 2 के लिए तो आपको अलग अलग आउटपुट देखने को मिली जाती है। रिसेट का बटन है, अगर इसे रिसेट करना चाहते हैं तो यहाँ पे आपको रिसेट का बटन भी शो करके दे रखा है। और यहाँ पे आप जस्ट देख सकते हैं ये आती है पावर पोर्ट, यहाँ पे आपको पावर पोर्ट की क्वालिटी को आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। और आता है हमारे यहाँ पे दूसरा पंखा, यानी दूसरे चैनल के लिए दूसरा पंखा, और बड़ी सी ऊपर की साइड आपको एनलैब की ब्रांडिंग देखने को मिल जाती है। चलते हैं यहाँ पे इसकी कुछ और डिटेल के बारे में देख लेते हैं। तो दोस्तों अभी तक आपने यहाँ पे देखी फ्रंट पैनल और बैक पैनल को क्या क्या डिटेल देखने को मिल जाती है। यहीं अगर मैं बात करूँ इसकी जो पावर आउटपुट है यहाँ पे कितना एम्पलीफायर पावरफुल है, अगर मैं उसकी डिटेल के बारे में बात करूँ तो यहाँ पे जो आपको 8 ओम की पावर देखने को मिलेगी वो मिलेगी यहाँ पे आपको 500 वाट। यहीं अगर मैं बात करूँ 4 ओम की तो यहाँ पे आपको 4 ओम पे पावर देखने को मिलेगी 800 वाट। यहीं अगर मैं बात करूँ 2 ओम की तो यहाँ पे आपको मिलेगी 1000 वाट। तो यहाँ पे आपको 1000 वाट काफ़ी, मतलब 2 ओम पे अगर आउटपुट मिलता है तो काफ़ी अच्छा है, तो आप इसको 2 ओम पे भी चला सकते हैं। बाकी 4 ओम पे तो मैंने इसको टेस्टिंग करा है, यहाँ पे ओवरलोड मैंने टेस्टिंग करा है, तो वो आप इस वीडियो में देख सकते हैं अगर आप वीडियो के साथ बने रहेगा।
तो यहीं अगर मैं बात करूँ ब्रिज आउटपुट के, यहाँ पे आपको टोटल जो ब्रिज आउटपुट है वो कितनी कितनी देखने को मिल जाती है, तो 8 ओम्स पे आपको मिल जाता है यहाँ पे 1500 वाट, यानी अगर आप दोनों चैनल को कंबाइन कर देंगे और अगर आपके पास एक आउटपुट होगी 8 ओम की तो वो मिलेगी आपको 1500 वाट। यहीं अगर आप दो चैनल को कंबाइन कर देंगे और यहाँ पे आपको 4 ओम्स पे पावर चाहिए हो तो यहाँ पे मिलेगी आपके पास 2000 वाट। तो ओवरऑल ये एम्पलीफायर काफ़ी हैवी है, यानी अपने हिसाब से काफ़ी हमें हैवी लगा ये एम्पलीफायर। और यहाँ अगर मैं कुछ और डिटेल के बारे में बात करूँ तो ये जो ये वर्किंग वोल्टेज है, यानी कितने से कितने वोल्टेज पे वर्क करता है, 190 से लेके ये 263 वोल्टेज 50 और 60 हर्ज दोनों पे काम करेगा। यहीं अगर मैं बात करूँ इसकी जो क्लास है यहाँ पे कौन सी क्लास के अंदर आता है, तो ये आता है ए बी क्लास के अंदर। और यहाँ पे मुझे एक चीज़ काफ़ी अच्छी लगी जो कि X3 मॉडल में था, वो था यहाँ पे डैम्पिंग फैक्टर। तो डैम्पिंग फैक्टर X3 मॉडल में था वो था 500, और यही चीज़ मुझे इसके अंदर भाग गई, यानी इतने ही पावर में आपको जो डैम्पिंग फैक्टर है वो मिलती है 500। तो ये चीज़ मुझे काफ़ी अच्छा लगा कि डैम्पिंग फैक्टर दोनों में सेम दिया गया है, तो यहाँ पे डैम्पिंग फैक्टर का काफ़ी फर्क होता है। यहीं अगर मैं बात करूँ कुछ और डिटेल के बारे में, तो यहाँ पे जो आपको पावर सप्लाई है दोनों चैनल के लिए अलग अलग देखने को मिल जाती है, तो आपके पास ये एक पॉइंट है। और यहाँ पे जो स्टेबिलिटी है, जैसे कि मैंने आपको बताया X3 वाले मॉडल में कि स्टेबिलिटी बहुत प्यारी थी, यानी स्मूथ थी। अगर वोल्टेज यहाँ पे लाइट में अगर कोई भी अप एंड डाउन होता है तो जो ऑडियो लेवल होता है वो एक जैसा बना रहता है, यहाँ पे अप एंड डाउन ऑडियो लेवल में कोई भी नहीं मिलेगा। तो आप यहाँ पे जब अगर लाइव भी इसको यूज़ करते हैं, लाइव में यूज़ करते हैं, चाहे वो डीजे में यूज़ क्यों ना करें, वहाँ पे आपको जब लाइट अगर अप एंड डाउन हो जाए तो उसकी वजह से यहाँ पे जो ऑडियो होगा वो अप एंड डाउन नहीं होगा, वो बिल्कुल एक जैसा स्मूथनेस आपको मिलेगी। तो ये एक मेरे को प्लस एंड पॉइंट जो लगता है। और यहाँ पे आपको दो फैन देखने को मिल जाते हैं। यहाँ पे इसका जो टेम्परेचर सेंसर है वो काफ़ी अच्छे तरीके से वर्क करता है, तो इस चीज़ को मैंने इस एम्पलीफायर में पर्सनली देखा है क्योंकि मैंने इसको यूज़ करा है, यानी X3 और X2 को काफ़ी मैंने पर्सनली यूज़ करा है क्योंकि इसके पावर के स्पीकर मेरे पास थे, तो इसलिए मैंने इसको काफ़ी यूज़ करा। और यहीं अगर मैं बात करूँ कुछ और डिटेल के बारे में, तो यहाँ पे आपको जो बोर्ड है, यानी जो SMT सर्किट बोर्ड है, यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है। तो ये आपके लिए एक प्लस पॉइंट है, अगर आप एम्पलीफायर ले लेते हैं तो यहाँ पे आपको कहीं भटकना नहीं पड़ेगा, यानी आफ्टरल सर्विस के लिए। बाकी कंपनी तो आफ्टरल सर्विस आपको देती देती है, अगर बाई चांस अगर आप आफ्टर मार्केट सर्विस सेंटर्स जो होते हैं अगर आप वहाँ से भी इसको सर्विस करवाना चाहें, यहाँ पे ठीक करवाना चाहें, तो यहाँ पे जो पार्ट्स होंगे वो आपको इजीली मिल जाएंगे। यहाँ पे ये सारा का सारा जितना भी बोर्ड्स हैं, यहाँ पे मैकेनिज्म है इसके अंदर जो फिट करा गया है, वो सारा का सारा यहाँ पे SMT सर्किट बोर्ड के अंदर रखा गया है, जो कि आपको मार्केट में इजीली जो भी पार्ट्स होंगे यहाँ पे SMT के वो देखने को मिल जाएंगे। तो ये एक मुझे प्लस पॉइंट लगा। और चलते हैं यहाँ पे अभी हम टेस्टिंग देखते हैं, तो टेस्टिंग पे काफ़ी मज़ा आने वाला है। जैसा कि मैंने आपको बीच में बताया था कि मैं इस पर लगाने वाला हूँ 1200 वाट के टॉप, यानी मैंने 400 वाट नहीं लगाया क्योंकि यहाँ पे आउटपुट जो लेवल है 4 ओम्स की वो है 800 वाट। तो यहाँ पे मुझे कायदे से जो देखना चाहिए था वो देखना चाहिए था कि 400 वाट के ड्यूल के टॉप लगाने चाहिए थे, लेकिन मैंने वो रूल को फॉलो नहीं करा, यहाँ पे मैंने रूल को तोड़ा और मैंने लगाया यहाँ पे 600 वाट के ड्यूल के टॉप, यानी 1200 वाट के दो टॉप इस पे लगाए। और टेस्टिंग देखिए, बाकी मैं तो काफ़ी इंप्रेस ही हुआ इस टेस्टिंग से, और आप भी हो सकते हैं इंप्रेस, तो चलिए टेस्टिंग देख ही लीजिए। तो दोस्तों यहाँ पे मैं सारा सेटअप बैठा चुका हूँ, यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे दो टॉप लग चुके हैं जो कि 1200 प्लस 1200 वाट के हैं, और यहाँ पे ये हमारा एम्पलीफायर आ चुका है और ये सब कुछ मैं रेडी कर चुका हूँ। यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बता रहा हूँ कि आप जब इस एम्पलीफायर को ऑन करेंगे तो ये आपको रंग बिरंगे से, यानी लाल पीली लाल हरी नीली से आपको लाइट देखते हुए मिलेगी। तो ये क्या है बेसिकली, ये दोस्तों होता क्या है, ये होता है दोस्तों एम्पलीफायर टेस्टिंग में है, यानी जब एम्पलीफायर ऑन होता है तो उसके अंदर जितने भी सेंसर्स जो होते हैं, यहाँ पे जितने भी सेंसर्स होते हैं क्या एम्पलीफायर सही है अंदर से, क्या कोई फॉल्ट तो नहीं है, वो सब चीज़ें इसके अंदर चेक करते हैं वो सेंसर्स। तो इसलिए आपको ये लाइट इतनी देर तक आपको ये ब्लिंक होते हुए देखने को मिल जाती है, जो कि लाल और नीली में जलती है। जब ये हो जाएगा तो आपको एक हल्की सी आवाज़ सुनाई देगी जो कि रिले की होगी, तो यानी बिल्कुल सारे सेंसर्स ओके हैं, यहाँ पे कोई भी फॉल्ट नहीं है, तो ये पावर ऑन हो जाएगा। अब चलते हैं यहाँ पे हमारे टॉप को भी हम चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैं वॉल्यूम को फुल कर देता हूँ, जैसे कि मैंने आपको बताया यहाँ हम कोशिश करेंगे पूरा ओवरलोड ले जाने की, तो यहाँ पे मैं ओवरलोड लेके ही जाऊँगा। और चलिए मैं यहाँ पे गाना प्ले सेट कर लेता हूँ, उसके बाद हम मिलते हैं। तो दोस्तों अभी हम यहाँ पे गाना प्ले करते हैं, और चलिए यहाँ से मैं गाना प्ले कर देता हूँ और मिक्सर का फेडर उठाते हैं।
तो दोस्तों कैसे लगी टेस्टिंग, मुझे उम्मीद है पसंद आई होगी और आई थिंक आप हुए होंगे इम्प्रेस। यानी इस एम्पलीफायर से इतना छोटा और पावरफुल है, लेकिन यहाँ पे मेरी एक सजेशन आपसे मैं दे दूँ कि आप अगर इसको स्मूथनेस वर्क देना चाहते हैं, यहाँ पे जितनी 4 ओम पे पावर आउटपुट है आप उसको उतना ही लेके चलिए। बाई चांस यहाँ पे अगर आपका लाइव या डीजे में काम फंसता है और अगर इसके ऊपर आप हैवी स्पीकर डालते हैं तो यहाँ पे आपको एक प्लस पॉइंट मिल जाता है कि ये ख़राब नहीं होगा। यानी अगर आपको मैंने जो टेस्टिंग दिखाई, अगर आप 4 इंची के वॉइस कॉल के 15 इंची के अगर 4 स्पीकर इसके अंदर चलाएं तो यहाँ पे चला सकता है। जैसे कि मैंने इसको अभी तक चलाते हुए आ रहा हूँ तो यहाँ पे मुझे लगा कि हाँ इसके अंदर इतना पावर है, इतना दम है कि ये 4 इंची की वॉइस कॉल वाला जो स्पीकर है अगर 600 वाट में है तो उसको ये आराम से चला सकता है। बाकी जो मेरी सजेशन है यहाँ पे आप रूल्स के हिसाब से चलिए, पावर रेटिंग के हिसाब से चलिए, तो बाकी आप यहाँ पे दे सकते हैं। और यहीं अगर मैं बात करूँ कुछ और डिटेल के बारे में तो इसकी जो वर्किंग थी यानी जो स्टेबिलिटी थी वो मुझे अच्छी लगी। जैसे कि X3 में मुझे लगा था कि X3 में स्टेबिलिटी काफ़ी अच्छी थी और वोल्टेज लो अप एंड डाउन होने के कारण कोई भी यहाँ पे जो ऑडियो क्लियरिटी और यहाँ पे जो ऑडियो आउटपुट थी उसके अंदर कोई मुझे फ़र्क नहीं मिला। तो ये एक मुझे प्लस पॉइंट इसके अंदर लग जाता है कि दोनों को दोनों एम्पलीफायर बिल्कुल सेम थे, बस यहाँ पे पावर का जो फ़र्क रहता वो थोड़ा बहुत था। और कह सकता हूँ कि आपको मैं रिकमेंडेड कर सकता हूँ, तो आप ज़रूर ज़रूर परचेज कर सकते हैं। अब बात करते हैं यहाँ पे परचेज कैसे करें, प्राइस क्या होगी, तो वो मैं आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पे आपको प्राइस जानना है तो ये आपको नंबर आ रहा होगा HVN कंपनी का, तो ये गुजरात में है HVN कंपनी महुआ में, तो यहाँ से आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, प्राइस यहाँ से जान सकते हैं, परचेज कहाँ से होगा वो सारी की सारी डिटेल आपको पता लग जाएगी इसी नंबर पे। साथ ही साथ अगर आपको इसकी ऑफरल सर्विस यानी अगर आपने एम्पलीफायर ले लिया और अगर आपका खराब भी हो गया तो आप हमसे ऑफरल सर्विस यानी HVN कंपनी से ऑफरल सर्विस भी करवा सकते हैं। और साथ के साथ दोस्तों यहाँ पे आपको मिल जाते हैं इस एम्पलीफायर के साथ 3 ईयर की मैन्युफैक्चरिंग वारंटी, तो ये भी आपके लिए प्लस पॉइंट हो सकता है कि आप इस एम्पलीफायर को परचेज करें। बाकी अब बात आते हैं मेन पॉइंट पे कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी कि नहीं लगी, वो मुझे आप जरूर से नीचे कमेंट में बता के जाइएगा। तो प्लीज एक कमेंट करिएगा, साथ के साथ इस वीडियो को एक जरूर से लाइक करके जाइएगा, और ज्यादा वीडियो पसंद आए तो प्लीज इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा ताकि वो भी इस एम्पलीफायर को देख पाए और डीजी ब्लॉग के सजेशन को भी देख पाए। तो यहाँ पे इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, और मैं मिलता हूँ आपको इंस्टाग्राम पे भी, तो इंस्टाग्राम पे भी आप मुझसे मिल सकते हैं, वहाँ पे भी आपके कोई क्वेश्चंस हो, आंसर्स हो, कुछ भी हो, कोई भी बात आपसे पूछनी हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। बाकी इंस्टाग्राम पे मैं आपको मतलब कोशिश करता हूँ कि फटाफट रिप्लाई कर दूँ, तो यहाँ पे इंस्टाग्राम का भी नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है। बाकी मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में, और वीडियो को लाइक करके शेयर करके जाना है, चैनल को जो सब्सक्राइब करूँगी, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है, तो ये नीचे दे लाल करके बटन को सब्सक्राइब करें। मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।